हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं उज्ज्वल आप लोगों के बीच फिर से एक नया कंटेंट लेके आया हूँ, जो कि पल्सर आरएस 200 है, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग बाइक है और इसकी टक्कर आपको R15 से है। सो इसके ब्लॉग में हम पूरा डिस्क्रिप्शन जानेंगे, फुल स्पेसिफिकेशन जानेंगे, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे RS 200 लगी हुई है, जो कि ग्रे कलर का है, फुली ब्लैक एंड ग्रे का यूज़ करा गया है। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपीयरेंस देख ले कि कैसा लग रहा है गाइस। तो ये इसका कुछ फ्रंट व्यू हुआ, ऐसा ये आपका फ्रंट होने वाला है गाइस। और साइड प्रोफाइल की अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसा साइड प्रोफाइल आपको होने वाला है गाइस। ग्राफिक्स तो काफ़ी ज़बरदस्त है, इसमें कुछ नया हमें चेंजिंग नहीं करा गया ग्राफिक्स में, सो कुछ ऐसा है। और आप रेयर प्रोफाइल की अगर बात किया जाए तो रेयर प्रोफाइल कुछ ऐसा है गाइस। टेल लैंप आपको स्प्लिटेड फॉर्म में मिलने वाला है, LED मिलने वाला है, जो कि ज़बरदस्त लुक लग रहा है, काफ़ी स्पोर्टी फील हो रही है। और यहाँ पे भी RS की स्टिकरिंग 200 की दी गई है गाइस। सो गाइस, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली चलिए फ्रंट सेक्शन से बात किया जाए। तो फ्रंट का बात किया जाए तो गाइस, यहाँ पे कुछ आपको वाइज़र मिल जाने वाले हैं, जो पहले की तरह है। यहाँ पे आपको ये वाइज़र मिल जाएगा, जो कि ट्रांसपेरेंट वाइज़र है, जो कि अच्छा लग रहा है और स्पोर्टी भी, मतलब इन्हेंस कर रहा है लुक को। और यहाँ पर अगर ये लाइट की बात किया जाए तो आपको प्रोजेक्टर हेड लैंप मिल जाएगा, फ्रंट में दो मिल जाएंगे, जो कि हैलोजन लैंप के साथ आएगा। यहाँ पे आपको DRLs प्रोवाइड की गई है दोनों साइड, बोथ साइड, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ये ऑप्शन मिल जाएगा। और कुछ ऐसा वाइज़र है, आप वाइज़र का लुक देख सकते हो गाइस। और इसमें साइड इंडिकेटर ये पूरा एकदम स्लिम टाइप से दिया हुआ है, जो कि आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाने वाला है, कुछ ऐसा है गाइस। और आप देख सकते हो तो हेडलैम्प का कुछ एरिया काफ़ी बल्कि काफ़ी स्पोर्टी फील कर रहा है। और अगर हम सस्पेंशन की बात किया जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि डुअल ABS चैनल आता है इसमें। तो यहाँ पे ABS की पावर स्टिकरिन भी दी गई है गाइस। और वाइब्रे का आपको ये ब्लैक ब्रेक कैलिपर आ जाएगा, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और डिस्क साइज़ का बात करें गाइस, 300 mm की आपको डिस्क साइज़, काफ़ी बड़ी डिस्क साइज़ इसमें मिलने वाली है। और रेयर में आपको 230 mm का डिस्क साइज मिलने वाला है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे। और टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको MRF का ट्यूबलेस टायर आ जाएगा गाइस। और 100x80 सेक्शन 17 inches का एलॉय व्हील आपको यहाँ पे, आप सेक्शन देख सकते हो। तो ये कुछ टायर का प्रोफाइल हुआ। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी प्लास्टिक का है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक है काफ़ी, मतलब इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे आपको ये लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, तो यहाँ पे रेडिएटर का सेक्शन भी काफ़ी थोड़ा बड़ा लग रहा है और काफ़ी मतलब स्पेसियस है। और कुछ यहाँ से आप देख सकते हो। तो गाइज, अब चलते हैं हम लोग साइड में। तो साइड प्रोफाइल का कुछ ऐसा ये आपको ये होने वाला है। और यहाँ पे 200 की स्टिकरिन दी गई है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। वाइट और ग्रे का यूज़ किया गया इसमें। और यहाँ पे भी आपको ये विजिबल टाइप से, मतलब जाली टाइप से एक फील होने वाला है, जो कि सिग्नेचर टाइप से ये एक लुक दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे भी थ्री कटिंग दिए हुए हैं और ये ग्रे में है। और कुछ ऐसा ये लुक्स है, आप देख सकते हैं। तो इंजन की बात किया जाए गाइस, तो अभी इंजन पे हम बात करते हैं। तो इंजन कैबिनेट भी पूरा भरा पड़ा है एकदम, DTSI आपको ट्रिपल स्पार्क इंजन आने वाला है, जो कि काफ़ी से पहले से, मतलब काफ़ी अच्छा रिफाइन इंजन है, जिसमें आपको माइलेज वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाने वाला है, जो कि 200 cc इंजन है, 200 cc का इंजन है, जो कि 24 PS की पावर प्रोड्यूस करती है गाइस। और 18.6 N का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और 6 speed गियर बॉक्स है इसमें। और लिक्विड कूल इंजन आता है। और ये देख सकते हो, ये आपको ब्रेक कैलिपर है, कुछ ऐसा होने वाला है। और कितना मतलब स्पोर्टी यूनिक दिया गया है आपको, ये फुटरेस्ट, जो कि फ्रंट फुटरेस्ट है, फुली ऑटोमेटिक है, आपको मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना है। और एग्जॉस्ट नोट का बात किया जाए तो इसमें डुअल वैली नहीं होती है ना, ये डुअल वैली नहीं है, तो नॉर्मल सा ये आपको एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको सुनाऊँगा। तो एग्जॉस्ट नोट का भी लुक, मतलब एक स्पोर्टी टाइप का ये आप देख सकते हो, ये ऐसा निकला हुआ है, मतलब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मोनोशॉक आपको इसमें नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलने वाला है रेयर के लिए, रेड कलर के आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रेक ऑयल दिया हुआ है, जो आप देख के यहाँ से ये कर सकते हो। तो कुछ ऐसा है गाइस। और 230 mm का रेयर का आपको डिस्क साइज आ जाने वाला है। तो ऐसा प्रोफाइल है इसका देखा जाए, 130x70 सेक्शन का R17 का आपको ये मिल जाने वाला है रेयर का। और कुछ ऐसा लुक्स है, एलॉय व्हील का आपको लुक्स ऐसा मिलेगा। ये
टायर अगर की बात किया जाए तो काफ़ी हार्ड है और काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरा मतलब ऑलमोस्ट पूरा टायर को मतलब ये कवर कर ले रहा है एक साइड का, आप देख सकते हो। और इसको हटा देने के बाद ड्राइव करने का नेक्स्ट लेवल फील होता है गाइस इसको हटा देने के बाद, लेकिन वो सही नहीं है। और रियर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दे दी गई है, यहाँ पे आपको नंबर लाइट मिल जाएगा, टेल लैम्प स्प्लिटेड फॉर्म में है। तो अभी हम टेल लैम्प आपको जला के दिखाते हैं गाइस, तो कुछ ऐसा ये आपको LED में दिखेगा और देख सकते हो कितना प्रॉपर अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको नंबर लाइट मिल जाने वाली है, तो यहाँ पे नंबर लाइट मिल जाएगा कुछ ऐसा है। और इस साइड का अगर बात किया जाए गाइस तो ये चीज़ आपको यहाँ पे हाथ लगा सकते हो, ये ग्रैब हैंडल का काम करेगा, बोथ साइड है आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और RS 200 का यहाँ पे स्टिक रिंग दी गई है, जो कि ग्राफिक्स काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। सीट आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा ही स्टेप अप है इसमें, लेकिन काफ़ी मतलब अगर R15 से बात किया जाए तो कंफर्टेबल इसमें ज़्यादा दिया है, पावर ज़्यादा दिया है, थोड़ा सा फीचर्स में ये दब जाती है, लेकिन पावर के मामले में R15 को पीछे छोड़ जाती है। और उससे कम प्राइस में भी मिलती है, तो मतलब बहुत सही है इस प्राइस में गाइस ही है। और कुछ ऐसा ही हुआ रियर का फुटरेस्ट, जो कि मैनुअली एडजस्ट होगा, और ये फ्रंट है जो कि ऑटोमेटिक एडजस्ट होने वाला है। 6-स्पीड गियर बॉक्स आता है, कुछ ऐसा ये इंजन कैबिनेट है आप देख सकते हो गाइस, और इधर का भी सेम है काफ़ी। तो हम चलते फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात किया जाए गाइस, तो यहाँ पे मतलब 30 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाता है। ये फ्यूल कैप है और पल्सर की यहाँ पे 3D में बैजिंग मिल जाएगी कुछ ऐसा है। और 157mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसका दिया हुआ है, 157mm का 810mm का सीट हाइट दिया गया है, तो कुछ ऐसा है स्टेप अप का आप देख लो। और ठीक है हैंडल बार पे, तो कुछ ऐसा हैंडल बार का है, तो यहाँ से आपको हॉर्न का दिया जाएगा, तो सिंगल हॉर्न आ जाएगी इसमें। और आप देख सकते हो ये इंडिकेटर का, और ये लो बीम और ये हाई बीम, और यहाँ से पास लाइट का दे दिया गया है। देखो आप पास लाइट वहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। और ये हो जाएगी आपको इंजन क्विल स्विच, और ये सेल्फ स्टार्ट, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा है आपको आप देख सकते हो, कुछ ऐसा वेलकमिंग फीचर्स है जो कि सेमी डिजिटल आपको मिलेगा इसमें, और आप देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे आपको फ्यूल का इंडिकेशन मिल जाने वाला है, यहाँ पे टाइम वगैरह का मिल जाएगा, यहाँ पे RPM का लिमिट शो करेगा, ये हो गया आपको स्पीडोमीटर गाइस। और इधर न्यूट्रल और बैटरी वगैरह का ये कुछ अलग नहीं है, तो कुछ ऐसा ही इसमें है। चार्जिंग वगैरह का इसमें ये नहीं है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं है चीज़ तक, तो मतलब कुछ ऐसा इसका ये डिस्प्ले होने वाला है, तो काफ़ी मतलब सही लग रहा है। और यहाँ से आपको ट्रिप दिया गया है, दो ट्रिप है, ट्रिप ए और ट्रिप बी, आप यहाँ से ट्रिप को एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप टाइम को मैनेज करा मतलब डिस्प्ले को ये मैनेज यहाँ से आप कर सकते हो। तो कुछ ऐसा था गाइज यहाँ पे, और प्रॉपर लाइटिंग भी दी गई है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाने वाला है। तो आइए हम इसको आपका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देते हैं, कितना ऐसा कुछ इंडिकेटर का ये सिग्नल होने वाला है आप देख सकते हो। साइड स्टैंड कटम कुछ ऐसा था गाइस, एग्जॉस्ट नोट काफी धाकड़ है। तो अभी हम आए हैं मोतिहारी रामभुवन नाम यमुना प्रसाद ये शोरूम है, जो कि NS 28 पर है। यहाँ पे आई, हर एक एम्प्लॉई काफ़ी सपोर्टिव है, यहाँ पे लोन पे भी गाड़ी अवेलेबल होता है। सो कुछ ऐसा यहाँ पे बाइक्स का कलेक्शन भी दिया गया है, तो यहाँ के सारे एम्प्लॉई भी काफ़ी मतलब सपोर्टिव हैं, और कम डाउन पेमेंट पे भी आपको बाइक मिल जाने वाला है। सो यहाँ आइए, नहीं तो मैं यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन में सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा, या तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, चाहे यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप बाइक लेने। तो बेहतर हमें उम्मीद है कि ये ब्लॉग आप लोगों को गाइज अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।